हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है दोस्तों हमारे इस चैनल में। दोस्तों जैसा कि वीडियो के थंबनेल देख के आप जान चुके होंगे कि आज मैं आप लोग किस वीडियो में क्या बताने वाला हूं। जी हां फ्रेंड, आज मैं आप लोग किस वीडियो में सत्यम पे के बारे में बताने वाला हूं। जी हां फ्रेंड, कि अगर आप सत्यम पे का रिटेलर आईडी और डिस्ट्रीब्यूटर आईडी कैसे लिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हां दोस्तों, अगर आप ये सब जानना चाहते हैं कि सत्यम पे का रिटेलर आईडी या डिस्ट्रीब्यूटर आईडी कैसे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन मिलेगा उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आप यहां देख सकते हैं, हम अभी मोबाइल स्क्रीन के होम पेज में आ गए। यहां से दोस्तों मेरा सत्यम पे का मोबाइल एप्लीकेशन शुरू कर रहा है। सिंपली दोस्तों आपको इसमें मैं अपना आईडी पासवर्ड को लॉगिन कर लेता हूं। फ्रेंड, आप यहां देख सकते हैं, हम यहां अभी सत्यम पे के मोबाइल एप्लीकेशन के होम पेज में आ गए हैं। यहां से दोस्तों सत्यम पे का ऑफिशियल लोगो शो कर रहा है। दोस्तों यहां इंटर एम पिन का ऑप्शन आ गया है। चलिए फ्रेंड, यहां से मैं अपना इंटर एम पिन डाल के और सिंपली इसमें लॉगिन हो लेता हूं। तो फ्रेंड, यहां देख सकते हैं दोस्तों, हम यहां सत्यम पे के मोबाइल एप्लीकेशन में सक्सेसफुली लॉगिन हो गए हैं। यहां से दोस्तों आप देख सकते हैं फ्रेंड, यहां सत्यम पे का ऑफिशियल लोगो शो कर रहा है, सॉरी नाम शो कर रहा है दोस्तों। और यहां से दोस्तों मेन वैलेट शो कर रहा है फ्रेंड, यहां से दोस्तों AEPS वैलेट शो कर रहा है। और दोस्तों फर्स्ट में हम बात करेंगे कि सत्यम पे में हमको क्या क्या चीज़ का सर्विस मिलता है। तो फ्रेंड, यहां देख सकते हैं, फर्स्ट में हमको रिचार्ज का सर्विस मिलता है। तो दोस्तों हम बात करेंगे कि रिचार्ज में हमको क्या क्या चीज़ का रिचार्ज करने का ऑप्शन मिलता है। तो फ्रेंड, यहां देख सकते हैं, आपको रिचार्ज में मोबाइल रिचार्ज का सर्विस मिल जाएगा फ्रेंड, यहाँ से गैस पेमेंट का सर्विस मिल जाएगा, यहाँ से फ्रेंड डाटा कार्ड रिचार्ज का सर्विस मिल जाएगा, और दोस्तों यहाँ से DTH रिचार्ज का सर्विस मिल जाएगा, और दोस्तों यहाँ से BBPS यानी कि भारत बिल पेमेंट सिस्टम का रिचार्ज करने का यहाँ से आपको सर्विस मिल जाता है। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं लैंडलाइन बिल पेमेंट, यानी कि दोस्तों आप यहाँ से लैंडलाइन बिल पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड ऑप्शन आता है यहाँ से बैंकिंग, दोस्तों आपको बैंकिंग में क्या चीज़ का सर्विस मिल रहा है, चलिए हम बैंकिंग वाले सेक्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही फ्रेंड आप बैंकिंग वाले सेक्शन पर क्लिक कीजिएगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं बैंकिंग में आपको सेंड मनी, यानी कि दोस्तों आप ऑल ओवर इंडिया में किसी के अकाउंट में पैसा सेंड कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ से आपको AEPS यानी कि दोस्तों आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, यानी कि सबसे मेन इसमें सर्विस है और दोस्तों AEPS है, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम के माध्यम से ही आप पैसा निकासी वगैरह कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ देख सकते हैं एक्सपीरियंस DMR, जी हाँ दोस्तों आपको इसमें एक्सपीरियंस DMR भी मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ देख सकते हैं पे आउट, यहाँ से दोस्तों आप पे आउट का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। दोस्तों यहाँ ICICI PS, इसके बारे में भी दोस्तों मैं अगला वीडियो में आपको बताऊंगा। और दोस्तों यहाँ एक और सर्विस मिलता है अदर, यानी कि दोस्तों आप जैसे ही अदर पर क्लिक कीजिएगा, तो आप लोग के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। जी हाँ फ्रेंड, आप देख सकते हैं अदर सेक्शन में दोस्तों आपको यहाँ से होटल बुक कर सकते हैं, फ्लाइट बुक कर सकते हैं, और दोस्तों इंश्योरेंस का पेमेंट कर सकते हैं, दोस्तों बस बुक कर सकते हैं, यानी कि दोस्तों आपको इतना सर्विस मिलता है सत्यम पे में। अब दोस्तों बात करते हैं कि आप सत्यम पे का डिस्ट्रीब्यूटर आईडी और रिटेलर आईडी कैसे लें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सत्यम पे का डिस्ट्रीब्यूटर आईडी और रिटेलर आईडी फ्री ऑफ कॉस्ट लेना होगा, तो उसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन है। टर्म एंड कंडीशन है दोस्तों कि आपको फर्स्ट में इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिस चैनल पर आप वीडियो देख रहे हैं आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। उसके बाद दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर देना, और दोस्तों इस वीडियो को, जिस वीडियो को आप अभी देख रहे हैं, इस वीडियो को एक लाइक करना है। जी हाँ दोस्तों, आपको इस वीडियो को एक लाइक करना होगा, और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना होगा, और इसी वीडियो को कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करना है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आप ये काम कीजिएगा, तो को जो स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा होगा उस पर कॉल कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और आपको अपना डॉक्यूमेंट देना होगा। डॉक्यूमेंट में फ्रेंड आपको अपना आधार कार्ड, जी हाँ दोस्तों डॉक्यूमेंट में आपको अपना आधार कार्ड, जी हाँ दोस्तों आप अपना आधार कार्ड, और दोस्तों पैन कार्ड, जी हाँ दोस्तों आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आपको सेम नंबर व्हाट्सअप मिल जाएगा, उस पर सेंड कर देना है। और दोस्तों 10 से 5 मिनट वेट कर लेना है, 10 से 5 मिनट के अंदर आपको इसका रिटेलर आईडी तो रिटेलर आईडी और डिस्ट्रीब्यूटर आईडी तो डिस्ट्रीब्यूटर आईडी आपको मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।